इस वर्ष के अवकरण दिवस को आत्मरक्षा दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करें, क्योंकि यह वर्ष संक्रमण का वर्ष चल रहा है। जितने भी हमारे प्रियजन हैं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, परमात्मा का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। कि दरअसल हम अपने गुरुजनों का, महापुरुषों का, परमात्मा का कोई अवतरण दिवस या जन्म दिवस इसलिए मनाते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर, उनके द्वारा प्राप्त सिद्धियों पर हम विचार करें और उन सिद्धियों को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जब कभी भी कोई महापुरुष अपने जीवन को तपाकर कोई सिद्धि प्राप्त करता है, तो वह जरूर चाहता है कि उस सिद्धि का प्रसाद तमाम भक्तों के पास जाए। मां जनायन गता सपंथा, महापुरुषों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, या ऐसी मंगल कामना हम लोगों को करनी चाहिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हमारे जीवन को मंगलमय कर दो। कैसे? प्रातः काल से लेके फिर रात्रि विश्राम तक कहीं के पल क्रियात्मक हो, कोई ऐसा बुरा काम हम जीवन में न करें, कोई अप्रिय बात न बोले, किसी के मन को न दुखाएं, और आत्मविश्वास, आत्म कल्याण करते हुए आगे बढ़ते रहे प्रतिक्षण। प्रातः काल जब सोकर उठें, तो उस समय प्रार्थना करें भगवान से कि हे परमात्मा, आज का दिन मंगलमय हो। आलो भद्रा कर्को यंतु विश्वतः, हे परमात्मा, हमारा यह दिन मंगलमय हो, सभी दिशाओं से शुभ समाचार मुझे प्राप्त हो। लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, सभी दिशाओं से प्राप्त हो। और दिन भर जो भी करें, यह समझ कर करें कि परमात्मा सब देख रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि अपार है। अपार दृष्टि वाले परमात्मा से हम कोई चीज गलत बयानी नहीं कर सकते। तो मैं अपने प्रियजनों को निवेदन करता हूं कि आप कोई ऐसा अप्रिय काम न करें जिससे परमात्मा को दुख हो या आपको आत्मग्लानी हो। रात में सोते समय परमात्मा को बार बार धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, तुम्हारी बड़ी कृपा है, आज का दिन मंगलमय हुआ, हम आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट।